सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। तेरा हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। और इस वाले मैच में जा रहा हूँ पायलट प्लाजा, और एक स्क्वाड आपको ऊपर दिख गई होगी। देखो कैसे मतलब चले आ रहे हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए। खैर यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड एक आई होती है, यहाँ पे मुझको खैर एक भी किल नहीं मिल पाता। और यहाँ पे मेरे हत्ते कुछ बॉट ही चढ़ते हैं, तो फिर उन बॉट को मार के मैं निकलता हूँ आगे, और सारे बंदों को मेरा टीममेट छप लेता है। यार बहुत दुख हुआ था मुझे। अब देखो भैया जी, यहाँ पे मैं एक बार नॉक हो चुका था, और ये बंदा एक बॉट को नॉक कर देता, मैं उसका किल चुराता हूँ पहले। और भाई हागू स्नाइपिंग, और आप देख सकते हो कितनी तगड़ी स्नाइपिंग करता हूँ मैं। खैर कभी कभी कुछ फ्लिक शॉट पड़ जाते हैं, आप इस वीडियो पे देखना, काफ़ी अच्छे मतलब शॉट मार देता हूँ मैं कभी कभी। तो खैर इसके आगे मैं एक बॉडी शॉट मारूंगा और ये बंदा निकल जाता है हाथ से, और इसी के साथ हमारा पायलट प्लाजा क्लियर हो जाता है तीन बॉट के साथ। तो क्या ही कर सकते हैं, गरीबी छाई, सब बंदा मेरा टीममेट ही मार गया भाई, क्या ही बोल। तो इतनी देर तो खैर फालतू की बकैती हो गई। यहाँ मेरा टीममेट मिनांडो ले आता है, मैं फटाक से मिनांडो में बैठता हूँ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ जाता हूँ। और आपको फुल एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन बंदे होते हैं, तीनों को मैं मार जाता हूँ, और मेरा टीममेट कुछ मतलब हेल्प कर देता है मेरी। तो देखो पहले को मैंने गाड़ी से नॉक किया, और मैंने सोचा ट्रिपल स्टोरी पर रोकूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुकी और मुझे लगा स्प्रे पड़ेगा। मैंने टीममेट से कहा जल्दी से बैठ जा, फिर मैंने सोचा इसको फुल फिनिश कर देते हैं। फिर मैंने इसको फुल फिनिश किया, फिर मैं सीधा रोकता हूँ ट्रिपल स्टोरी पर, और मेरे टीममेट को स्पॉट हो जाता है बंदा, बाद में मुझको भी स्पॉट हो जाता है। फिर मैं उसको कार्नेटेड का एक हेडशॉट मारूंगा, देखो। तो यह इनके एक बंदे को मार के पूरा खा चुका था, और दूसरे वाले को मैंने अभी अभी नॉक किया कार्नेटेड से। अब मैंने सोचा इसको फुल फिनिशिंग मार देते हैं, बाकी के दो बंदे होंगे उनको संभाल लेंगे हम, दो टू टू इजी है ओपन में, वैसे इजी तो नहीं खाएगा इजी। और ये वाला मतलब ठीक ठाक शॉट था। तो इनका आखिरी बंदा है सामने, ये जो ये रेड वाला घर होता है, कौन सा घर है यार, इसी के पीछे होता है। और भाई लिटरली 1 HP था ये, मतलब मेरे टीममेट ने उसको लो नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से लो हो गया था। तो मैं खैर उसको एक गोली मार के किल चुरा लेता हूँ। वैसे किल चोरी नहीं थी ये, क्योंकि चाहे एक गोली मारे चाहे 100 गोली, मेहनत तो भाई खुद ही की है ना। तो खैर मेरा टीममेट लो था, तो उसने फटाक से हीलिंग की। फिर हम निकलते हैं आगे प्रॉपर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, देखो। और मैं और मेरा टीममेट हीलिंग करते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे आपको एक बंदा दिखा, दो बंदे सामने थे, और आपको फिर सलमान भाई का जलवा देखने को मिलेगा। और भाई ये पता नहीं कैसे ही नॉक हो गया, और दूसरे वाले को भी मैं गाड़ी से नॉक करूँगा। सल्लू भाई ओपी बोलते हैं, तीसरा आता है उसको मेरा टीममेट झप लेता है, देखो। खैर ये नहीं कह सकते लास्ट वाला किल मेरा था, लेकिन मैंने भी उसको कम डैमेज नहीं दिया था। खैर वो क्या बोल के गया मैं, वो वाला किल मेरा टीममेट के बाटे में चला जाता है। और भाई आज को आपको जो वीडियो के मैंने फिल्टर्स लगाए हैं, तो ये बताओ अच्छे अगर आपको लग रहे हैं, तो मैं यही फिल्टर्स हर वीडियो में लगाऊंगा, क्योंकि वो तो पहले वाले से तो ठीक ठाक लग रहा है, पहले से तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो आगे जो बगल सी जगह है ना, क्या कहते हैं इसे, थर्डिल, तो थर्डिल में यहाँ पे एक ड्रॉप आया होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स आ जाती हैं, तो भसड़ लेवल इन्फिनिटी आपको देखने को मिलेगी, और सैंडविच होने से बचेंगे हम। तो खैर मैं यहाँ से मिरांडो पकड़ के, ये आपको सामने लाल दूध दिख गया होगा, तो मैं सीधा ब्रिज पार करते हुए सीधा ड्रॉप के ऊपर जा रहा था। मैंने सोचा एमके मिल जाएगी, लेकिन एमके से मस्त चीज़ मिल जाती है, मतलब बंदे मिल जाते हैं, और इनको मैं नॉक नहीं कर पाता। मैंने सोचा एक के ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन खैर ये नॉक नहीं होता, मुझे लगा पड़ेगा स्प्रे, और स्प्रे पड़ता भी है एक्चुअली। और मैं फिर इन सो लो क्या बोल कह रहा हूँ यार मैं, तो मैं इन लोगों के ऊपर गाड़ी चलाने का ट्राई करता हूँ। और भाई ये देख लो भाई, मतलब बच गया मैं, कतई इतने नुबड़े बंदे थे ना, स्प्रे ही नहीं मारा उन लोगों ने, मैंने सोचा गए अब, तो इसलिए मैं अचानक से उतर गया। मैंने फिर बाद में देखा कि उन लोगों का ध्यान नहीं है, तो मैंने अपने टीममेट्स का भैया जल्दी से बैठते चुपके से पतली गली से निकल लेते हैं। और मैं ऊपर जा रहा था ट्रिपल स्टोरी पर, तो मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी पर जाता हूँ, और भाई ये मिरांडो मतलब कहाँ चढ़ा रखी है उन्होंने, तो मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी रोकता हूँ, और मेरे टीममेट को सामने बंदे दिख जाते हैं, और वो उनसे नॉक हो जाता है। फिर मैं उसको बचाऊँगा, देखना। अब ये बंदे पत्थर के पीछे थे, और एक की मैंने कान टेट का शॉट मारा, और मेरा टीममेट हो चुका था नॉक, तो मैंने सोचा इसको मस्त मार दूंगा एम4 से में। लेकिन ये मतलब मेरे साथ ही, मेरा टीममेट है क्या तू, मतलब भैया कतई ही मेरे साथ ही चिपका चला आ रहा है। तो खैर मेरा टीममेट पहुंच चुका था ऊपर, फटाक से मैंने स्मोक किया कि टीममेट को चुपके से रिवाइव कर दूंगा। और मैंने सोचा स्मोक मैंने गलत जगह कर दिया, तो उसी जगह मोली भी कर देता हूं, मस्त बंदा नॉक हो जाएगा। और स्ट्रेटजी बंदा नॉक होता है यार, टेंशन मत लो, ये देखो अब बंदा नॉक हो जाता है। और खैर ये जो मैं इतनी खुशी मना रहा हूं नॉक होने की मोली से, ये मतलब मेरा किल चोरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स आई होती हैं, आप खुद इंजॉय करो। Enemy down. Enemy.
और भाई फाइनली इसी के साथ पूरा ट्रिपल स्टोरी क्या है, थर्ड हिल क्लियर हो जाता है। और आप देख सकते हो मतलब कितने सारे बंदे थे यहाँ पे, और खैर मुझको यहाँ पे दो ही किल मिल पाते हैं, मैंने नॉक तो तीन किए थे लेकिन किल दो ही मिल पाते हैं, एक चोरी हो गया था मेरा, तो खैर कोई ना मैं उतने किल निकाल नहीं पाया। लेकिन इस गेम प्ले में काफ़ी किल हैं, क्योंकि आपको लास्ट में आप यहाँ तक आ ही गए तो आपको लास्ट में एक स्क्वाड वाइप देखने को मिलेगी। और मैं निकलता हूँ नीचे, और यहाँ पर दो बंदों की टीम होती है टैडी की, टैडी शायद आप क्लेन जानते हो, नहीं भी जानते हो तो कोई ना, मैं आपको बताऊंगा तो खैर नहीं, आप देख लेना ठीक है। नीचे दो बंदे होते हैं, फिर उनके ऊपर मैं और अमन पुश मारते हैं, और देखो और मैं मस्त इसके करके नीचे जा ही रहा था, और मेरा टीममेट आप देख सकते हो लेफ्ट से नीचे आ रहा है उसी वाले घर पे, और यहाँ पे आपको नीचे एक बंदा दिख गया होगा, इसको मतलब इसके पास होती है एस्टोल के, और अमन इसको थोड़ा सा लेट करता है, फिर मैं इसको मार लेता हूँ। आप देखो और भाई ये टेडी क्लेन के बंदे कत टेडी बियर की तरह आके खड़े हो गए, मतलब इतनी आसानी से मर गए ना, आप देख सकते हो मेरी पूरी हेल्थ है और अमन की थोड़ी सी हेल्थ कम हो पाई है। और खैर यहाँ पे लास्ट में सात बंदे अलाइव होते हैं, तो हम एक सोलो बंदा और एक पूरी चार बंदों की टीम अलाइव होती है, तो मैं खैर उन चार बंदों को मैं मारूंगा 1v4, और एक जो सोलो बंदा है उसको भी मैं नेट से मारूंगा। आप इन्जॉय मारो, अब जोन बन चुका था नदिया के पार, अब मुझे पड़ी M249, मैं सीधा पानी में कूदा और मेरा टीममेट उसको थोड़ा सा डैमेज मतलब काफ़ी सारा डैमेज दे देता है, तो मैं उसके ऊपर एक नेट करता हूँ। आप इस नेट के लिए ना सब्सक्राइब तो कतई कर देना, आप देखो आप कुछ मतलब मैं बोलना चाह ही नहीं रहा हूँ, आप देखो मतलब मुझे लग रहा था कि ये नेट बाहर गिर जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये नेट अंदर जाता है। खैर इस वाले बंदे को तो मैंने नेट से मार दिया, और आप सीट बेल्ट बांध रहे क्योंकि आपको एक 1v4 देखने को मिल रहा है, वो भी लास्ट जोन में। देखो एनिमी डाउन, खैर यहाँ पे एक 18 किल के साथ इजी सा चिकन डिनर कर लेते हैं। और ये क्लच आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे तबाही भर गेम प्लीज इसी चैनल पे मिलते हैं रोज 6 बजे, तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है। मिलता है कल, बाय।